सो so सग आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम तो आज की वीडियो हमारी इस बारे में होने वाली है और ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके फ्यूचर में ये वीडियो बहुत काम आएगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें अपने दोस्तों और को कर दें और भी अपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब नहीं कर किया नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो जान उसका नोटिफिकेशन आपको फॉरन मिल जाए और इस वीडियो में हम ये हर चीज जानेंगे डाटा स्ट्रक्चर क्या है एल्बोरिदम क्या है ये होता क्या है एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे डायग्राम्स के थ्रू जानेंगे ये सब हम पूरा आज की वीडियो में कवर कवर अप करने जा रहे हैं और थोड़ी पिक्चर्स के थ्रू भी जानेंगे तो और जो डेटा स्ट्रक्चर टूगेदर विद एलगोरिदम्स कैसे हुआ हमें कहाँ पे नीड होती है डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स की ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में तो चले शुरू करते हैं तो चले आइए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एलगोरिज्म आज की वीडियो में जानने वाले हैं तो सबसे पहले जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स डाटा स्ट्रक्चर इज अबाउट हाउ डाटा कैन बी स्टोर इन डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि डाटा कहाँ कहाँ पर स्टोर हो सकता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर ये काम है डाटास्ट्रक्चर का एल्गोरिदम एल्गोरिदम इज अबाउट एल्गोरिदम का एक मकसद है कि ये सॉल्व करता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को बा सर्चिंग थ्रो या फिर मैनिपुलेटिंग डाटास्ट्रक्चर को थोड़ी थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ डाटा स्ट्रक्चर एलगोरिदम की मतलब डी एस ए ये हेल्प करते हैं टू यूज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ताकि हम यूज कर सके बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा और हम सॉल्व कर सके प्रॉब्लम व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है ये हम जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर वी स्ट्रक्चर डेटा इन डिफरेंट वेज हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने डेटा को वो भी बहुत डिफरेंट वेज में ओके डिपेंडिंग ऑन वॉट डेटा वी हैव डिपेंडिंग है हमारे पास कौन सा डाटा है और हमें वी वॉन्ट टू डू विथ इट हमें कौन से डाटा के साथ वो करना है जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है फैमिली ट्री है एक तरीके का आप देख सकते हैं एमा कार्ल और ये है लिली और ये है केट लार्ज ऑलिफ और ये एक मी तो ये क्या है ये एक फैमिली ट्री है चले आप पहले फर्स्ट लेडर करते हैं हम एक एग्जाम्पल को अपने विदाउट कंप्यूटर इन माइंड जस्ट गो टू गेट द आइडिया इफ यू टू स्टोर डेटा अबाउट पीपल अगर हमें चाहिए हम स्टोर कर सकें डेटा अबाउट पीपल तो हमने रिलेटेड वी आर रिलेटेड टू तो हमें यूज करनी होगी फैमिली ट्री वी यूज अ फैमिली ट्री एज द डेटा स्ट्रक्चर और हमें चूज करनी होगी फैमिली ट्री एज अ डेटा स्ट्रक्चर

माई मदर हुए मदर मदर वू माए मदरस मदर इज इट इज एमा मतलब कॉन है मदर्स की मदर इट इज एमा सही है राइट बट विदाउट द एक मिनट में मैं इस एग्जाम्पल थोड़ा छोड़ रहा हूँ विदाउट द लिंक्स फ्रॉम चाइल्ड टू बेरेंट दैट इज डेटर शिक्षा प्रोवाइड ये डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है ये आप देख सकते डिफिकल्ट भी हो सकता है इंडिविजुअल्स आर रिलेटेड सो डाटा सिक्स हमें एक पॉसिबिलिटी देता है कि आप हम मैनेज कर सकते हैं अपने लार्ज अमाउंट ऑफ तो डेटा को एफिशिएंटली और हम यूज कर सकते लार्ज डाटा को और इंटरनेट इंडेक्सिंग सर्विसेज को डेटा स्ट्रक्चर एसेंशियल इनग्रीडियंट है जो क्रिएटिंग करते हैं हमारे फास्ट पा, पा, और पावरफुल एल्गोरिदम्स दे हेल्प इन मैनेजिंग जो हमारे हेल्प करते हैं मैनेजिंग ऑर्गेनाइजिंग डेटा और रिड्यूस कर सके रिड्यूस कॉम्पलेक्सिटी और इंक्रीज एफिशिएंसी इन कंप्यूटर साइंस देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर सॉरी कंप्यूटर साइंस में दो डिफरेंट टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं एक होता है प्रीम टाइप डाटा स्ट्रक्चर और एक होता है एबस्ट्रेक्ट डाटास्ट्रक्चर प्रीम टाइप डाटा स्ट्रक्चर आज बेसिक डाटा स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल वैल्यूज जैसे कि इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैरेक्टर्स और बोलियंस एबस्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर ये एक हायर लेवल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो बिल्ट होते हैं कम्प्लेक्सेशन और सम कॉमन एग्जाम्पल्स फॉर ऑफ एबस्ट्रेक्ट डेटास्ट्रक्चर इंक्लूड कर लो आप एरिस और ग्राफ्स अब जब ये हम डाटा स्ट्रक्चर जान लेते थे वो होता है एल्गोरिदम एंड एल्गोरिदम एक सेट ऑफ है जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम और अचीव अ स्पेशल गोल पॉमेस इज फ्राइस फ्राइटीज रेसिपी एक कुकिंग रेसिपी है जो राइटर ने अपने पीस ऑफ पेपर में एग्जांपल ऑफ इट्स एन एग्जांपल ऑफ एन ऑफ एन एल्गोरिथम वेयर जो यहाँ पे आपका गोल है आप मेक कर सको एक सेंटर एंड डिनर आपको स्टेप्स नीडेड है एक स्पेसिफिक डिनर आपको डिस्क्राइब करना एग्जैक्टली वेन वी टॉक अबाउट एलगोरिदम्स इन कंप्यूटर साइंस जब हम बात करते हैं एल्गोरिदम्स वो भी कंप्यूटर साइंस के अंदर तो स्टेप बाय स्टेप हम इंस्ट्रक्शन राइटिंग uh, करते हैं वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और इंस्टेंस ऑफ फूड इनग्रीडियंट और एंड एल्गोरिदम यूज करते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स को एल्गोरिदम एक फंडामेंटल है टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एज दे प्रोवाइड करते हैं हमें स्टेप बाई स्टेप इंस्ट्रक्शन जैसे कि कि और हमें help करते हैं हैं हाँ आप कर solution, और we are looking for, हम एक चीज़ पे मद्देनज़र रख रहे मतलब जो हमारा स्लो प्रोग्राम है ना वो हम फास्टर वन में कन्वर्ट कर सके बाद स्टडिंग एलगोरिदम हम लोग डेवलप प्रोग्राम्स मतलब अगर बाय स्टडिंग एलगोरिज्म डेवलपर्स ना जो कोड है ना वो बेहतर बै, रख सकते हैं बेटर बहुत ओके okay? से फाइंडिंग द फास्ट बेहतरिज्म जी पी एस नेविगेशन सिस्टम मतलब ये एलगोरिज्म आपकी हेल्प करता है कि आप फाइंड कर सको फास्टेस्ट रूट ऑफ नेविगेशन सिस्टम का और ने, आप नेविगेट कर सको एयरप्लेन और या फिर कार का कंट्रोल आप फाइंड कर सको वॉट यूजर सर्च फॉर सर्च इंजन मतलब यूजर सर्च क्या कर रहा है सर्च इंजन के लिए शॉर्टिंग फॉर एग्जाम्पल शॉर्टिंग जो एलगोरिदम है ना वी लुक एट दिस एट एट इन इन दिस 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 ट्यूटोरियल द वी लुक ट्यूटोरियल और हम डिजाइन करेंगे सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को और ऑफटेन करेंगे मेड टू वर्क अ स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर एग्जांपल ले लें बबल शॉर्ट एलगोरिदम डिजाइन किया गया है टू शॉर्ट वैल्यूज एंड इट्स मेड टू वर्क ऑन एरिज मतलब ये वर्क करता है एरिज के ऊपर डेटा स्ट्रक्चर टूगेदर विद एलगोरिदम डेटा स्ट्रक्चर और एलगोरिदम डी एस ए गो हैंड इन हैंड ओके और जो डेटा स्ट्रक्चर है ना एक यूजिंग एलगोरिदम और जो आपका एल्गोरिदम है ना आज के टूटोरियल में आज के ट्यूटोरियल में इन दिस टूटोरियल आर नॉट वर्थ मच विदाउटाचर टू वर्क वर्क ऑन डीएसएस अबाउट फाइंडिंग डीएसए जो है ना वो हमें हेल्प करते है फाइंड कर सको हम एफिशियंट वे जिससे हम स्टोर कर सकें रि डाटा और परफॉर्म कर सके ऑपरेशन और वो भी डाटा के ऊपर और सॉल्व कर सके स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाइट अंडरस्टैंडिंग डीएसए आप डिसाइड कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को बेस्ट और गिवन सिचुएशन में और आप मेक कर सकते हो प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो फास्टर और यूजलेट मेमोरी और आप अंडरस्टैंड कर सकते हो हाउ टू आप अप्रोच कर सको अपनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सॉल्व कर सको इन साइंस मैटिक वे वेयर इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम नीड

जिससे आप डिसाइड कर सको विच टास्क फॉर प्लानिंग भी काम आता है आप ऑप्टिमाइजिंग कर सको प्रोसेस और अरेंज कर सको टास्क को सो दे कैन बी कंप्लीटेड एज क्विकली एज पॉसिबल मतलब बहुत जल्द से जल्द आपको सॉल्व करके कंप्लीटेड करके दे देगा सॉल्विंग कंप्लेक्स प्रॉब्लम जिससे आप सॉल्व कर सको कंप्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ फाइंड कर सको बेस्ट वे जिससे आप पैक कर सको अ ट्रक टू मेकिंग कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा डीएस एक फंडामेंटल है इन नियरली एवरी पाथ ऑफ सॉफ्टवेयर वर्ल्ड जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा डेटाबेस सिस्टम वेब एप्लीकेशन मशीन लर्निंग वीडियो गेम्स क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम डेटा एनालाइज सर्च इंजिन ओके ये आपको मैंने फंडामेंटल डीएसए के इस डीएसए फंडामेंटल इन एवरी पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर वर्ल्ड मतलब जो डीएसए ना वो हर डीएसए एक फंडामेंटल है जो हर एवरी पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर के वर्ल्ड में है सही है और उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है थ्योरी और टर्मिनोलॉजी एज बी लॉन्ग हो इन दिस ने थियोरी कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी न्यू वर्ड्स

इसकी नीड होगी हमें बट हेयर इज लिस्ट ऑफ सम कीज यहाँ पे कीज की ट्रम्स है जस्ट गेट एन ओवर व्यू वॉट इज कमिंग ये आप देख सकते एक ओवर कीज दी हुई है मैंने एलगोरिदम डेल्टा स्ट्रक्चर इनकी ये सब जान ये आप सब नोट कर लेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए एल्गोरिज्म की डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन टाइम कम्पलेक्सिटी की स्पेस की बिग ऑन नोटेशन की ये ये सारी वीडियोस ये आएंगी मेरे चैनल पे इन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा इसलिए बता रहा वी एयर टू स्टार्ट आज के टोरी में हमने फर्स्ट लर्न किया है अबाउट स्ट्रक्चर और हमने मैचिंग किया एल्गोरिदम्स को uh, तो tutorial, और बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर तो फर्दर इन द इन टू दिसोरियल हमने कॉन्सेप्ट करें मोर कॉम्प्लेक्स और इट डेयर फोर अ गुड आइडिया है जिससे आप लर्न कर सकते हो डी एस ए बाईरिंग टूटोरियल वो भी स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्टार्ट एस एन ऑन द प्रीवियस पेज यू शुड कंफर्टेबल इन एट लीस्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आपको ना एट लीस्ट इन सारी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होना चाहिए ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ले लो सी और पाइथन बिफोर ड्यूरिंग दिस ट्यूटोरियल मतलब अगर आप ये ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट के सी और पाइथन का आना बड़ा जरूरी है ऑन द नेक्स्ट पेज हम लुक करेंगे दो डिफरेंट एल्गोरिथम्स और प्रिंट करेंगे हम फर्स्ट हंड्रेड फाइव एनसी को यूजिंग ओनली और हम बस यूजिंग करेंगे को, so, अब अगली वीडियो में। अगर आपको पाइथन से ये सब नहीं आता तो सी मेरे इस वाले चैनल पर मैंने आपको पहले से बताया हुआ है और पाइथन मैंने इंग्लिश में अपने चैनल पर प्रोवाइड किया उसमें उस जाके आप देख लें उस चैनल में मैंने पूरी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है पाइथन के ऊपर सॉ वीडियो है हंड्रेड डेज ऑफ कोर्स है वो जाके देख लेगा अगर आपको पाइथन नहीं आती और जावास्क्रिप्ट भी मैंने इस चैनल पे बताई हुई है और वो भी देख लेंगे तो हम मिलेंगे की वीडियो में तो आज के लिए इतना ही खुदाफिज